मसीहाओं को रहम ना आया। पंजाब भर के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी है। लाहौर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद पड़ी हैं। ऑपरेशन थिएटर्स, लेबर और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स भी बंद पड़े हैं। डॉक्टर्स ने मफादात की खातिर लाखों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। सरकारी अस्पतालों में आने वाले बेबस मरीज परेशान हाल हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा लाहौर के जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। उनसे तफसीलात लेंगे। आपको बताएं कि मसीहाओं को रहम नहीं आया। पंजाब भर के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी है। लाहौर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद पड़ी हैं। दुआ मिर्जा से मजीद तफसीलात लेंगे। दुआ, डॉक्टर्स क्यों सरापा एहतजाज हैं? मरीज किन मुश्किलात का शिकार हैं? जिन अस्पताल में कौन कौन से शोभा जात हैं जो बंद पड़े हैं? जी बिल्कुल अहमद, आज 14 रोज है कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मेरे पीछे भी अभी पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि एम के ऑर्डिनेंस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे और हुकूमत से भी इनके किसी भी किस्म के मुजाकरात जो है वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। पैरामेडिकल स्टाफ भी हमें मौजूद है। आज ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद है, रेडियोलॉजी भी बंद है, लेबोरेटरी भी बंद है और जिना अस्पताल वो अस्पताल है जहाँ पर दीगर शहरों से भी बहुत बड़ी तादाद में मरीज आते हैं। लेकिन जितने भी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उस सुबह से यहाँ पर बैठे हुए, पर्ची नहीं बनती। 3 घंटे कतार में लगने के बाद अगर पर्ची बन भी जाए तब भी उनको यहाँ पर इलाज नहीं किया जा रहा क्योंकि डॉक्टर अपने कमरों में मौजूद ही है। डॉक्टर आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।